अच्छा लगा सुंदर लगा सीखे अभी तक जो व्याख्यान हमने सुना बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर था अब वहां से शुरू करते हैं जिसमें आपने हमें वनवास दे दिया था मैं मानता हूँ कि भगवान राम जो हैं वो भी एनआर थे हम भी एन हैं भगवान राम भी एनआर हैं मैंने एक आपने जब बात कही तो मैं अपनी किताब यहाँ पे पढ़ देता हूँ शायद वहां उल्टा दिखाई पड़ा या सीधा दिखाई पड़ो पढ़ ले जो कहा था जननी जन्म स्वर्गरी ऐसी वो कहाँ कहा था वो लंका में कहा था जब दूर से देखते हैं तो जननी और जन्मभूमि दोनों बहुत अच्छी दिखाई लग पड़ती है तो ये भाव जो है भगवान राम के इसी भाव में भगवान कृष्ण इसी भाव में महात्मा गांधी जब वो अपने देश से दूर चले जाते हैं तो उसका दृष्टिकोण दूसरा होता है दूर दृष्टि हो जाती है दूर से दृष्टि तो वो कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ती है। तो मैं ये आपने विषय रखा हुआ हु तो ये तो ऐसी चीज जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी और फिर इसको हम और आप कौन बताने वाले हरि अनंत हरि कथा अनंत कहाना शब्दा और समझ में उसी के आता है सोई जाने जई दे जनाई इस तुम्हें तुम्हें हो जाए फिर उसके बाद बहुत बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन चूंकि आपने कहा है हम लोग वहां तक पहुंचे नहीं है तो कुछ न कुछ कहना है मैं मुझे जो राम लगते हैं उनके बहुत सारे मर्यादा पुरुषोत्तम या बहुत सारी आप लोगों ने विशेषण दिए उनके लिए मुझे लगता है कि राम जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य को सत्यापित करते हैं सत्य तो कोई भी बोल सकता है लेकिन उसको मैं कोई विश्वास नहीं करता मैं वैज्ञानिक हूं अगर मैं सिर्फ किताब लेके पढ़ाता रहूं बच्चे कोई हमारे पास का नहीं आएगा जिस दिन मैं उनको करके दिखा देता हूँ उसी में विश्वास किया जाता है और जो भी कुछ रहा होगा ज्ञान तो बहुत है बहुत पहले से भी था राम के आने से पहले भी ज्ञान था राम के जाने के बाद भी बहुत सारा ज्ञान बंट रहा है लेकिन जो उस चीज को सत्यापित कर देता है वही सत्य माना जाता है और वो सत्य जो है वो धर्म का आधार होता है इसलिए ये जानना जरूरी है कि राम की ये विशेषता जो है जब तक हमारे अंदर वही स्वयं जाने जही देह जनाई जाने, जाने तुम्हें तुम्हें ही हो जाए जिस दिन हम उस रास्ते को अपना लेंगे सत्य के उस रास्ते को अपना लेंगे और करके देखेंगे तभी हम वो हो सकते हैं और फिर वो राम के राज्य की परिकल्पना अपने आप स्वतः साबित हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है अब मैं कुछ ऐसी चीजें कहना चाहता हूं जो कि शायद आप लोगों ने नहीं कही क्योंकि वही चीज जो आपने कह दी तो मैं कहूंगा तो दोबारा वही रिपीट होगा अभी आपने प्रोफेसर कामेश्वरी जी ने कहा कि उन्होंने माता पिता की बात मानी ऐसा कोई आज्ञाकारी पुत्र आज तक नहीं मिलता जितना उसको उनको कहा जाता है मैं ये कहता हूं कि उन्होंने नहीं मानी बात आप रामानंद सागर से लेकर वाल्मीकि तक चले जाइए हर जगह तो उन्होंने कहा है कि नहीं मत जाओ तुम कौन कहता है कि उन्होंने अपनी बात मानी मैं तो ये कहता हूं कि राम बड़े ही अनाज्ञाकारी पुत्र थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा निश्चित रूप से नहीं मानी और उन्होंने अपनी माता की भी आज्ञा नहीं मानी क्योंकि माताएं जब पिता का देहावसान हो गया माताएं जाके यहाँ तक कहके ही भी बोलेंगे चलो वापस चलो अब तुम उनकी भी बात नहीं मानी वो अपने भाई की भी बात नहीं माने क्योंकि भरत बेचारे सर फोड़ फोड़ के वापस आ गए खड़ाओं दे दिया पकड़ा दिया उनको कि ले जाओ भाई खड़ाओं भी इसी में रहो तो लेकिन बात नहीं मानी बात कहते थे भरत हमारे अपने जान से भी प्यारा है लेकिन बात नहीं मानी उनकी तो अब ये कहना है कि वो माता की बात नहीं माने पिता की बात नहीं माने भाई की बात नहीं माने लोग कहते हैं कि चलो परिवार में पत्नी का बड़ा भी गुप्ता जी बोल रहे थे कि सब साइलेंट हो जाता है पत्नी बगल में आ जाती है तो तो अब ये कहते हैं कि बड़ा प्रेम था सीता जी से फिर सीता जी को जंगल भेज दिया और लोग दो उनके बच्चे मतलब न माता के हुए ना पिता के हुए न भाई के हुए न पत्नी के हुए बच्चों के भी नहीं हुए बच्चे तो पैदा हो गए और पता भी नहीं किया इन्होंने आजकल तो लोग के इलिजिटिमेट चाइल्ड होते तभी पता करके कुछ ना कुछ कर देते हैं वो तो राजा थे उन्होंने पता भी नहीं किया तो मतलब ऐसा आ, आ, क्या बोलेंगे निघट्ठू बोलते हमारे गाँव में हम वहां के हैं थोड़ा सा वहाँ की भाषा से परिचित हैं तो उस तरह का कोई व्यक्ति आपको जल्दी से मिलेगा नहीं लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों फिर अभी हम उनको नहीं भूल पा रहे हैं। इतना दिन हो गया कोई अभी हम आप देखिए इसमें कितने सारे लोग आके आपकी बात सुनना चाहते हैं सत्तर पचहत्तर लोग हो गए थे अभी बीच में अभी कुछ लोग चले गए हैं जबकि जूम पे भी कोरोना टाइम में भी हम राम की बात करना चाहते हैं ऐसा क्यों क्या बात थी उनके अंदर तो ये जानना जरूरी है मैंने पहले कहा कि वो सत्य को स्थापित करते थे सत्यापित करते थे दूसरा ये था कि उनके लिए कुल वो सत्य कहा सबसे ज्यादा कहां पे सीखा जाता है अपने कुल में हम आप दुनिया भर से झूठ बोल के बैठ जाऊं लेकिन हमारे घर वाले बच्चे जरूर देख लेते हैं कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या सत्य बोल रहा हूं उसी तरह से सत्य का अगर की समझ संस्कार से लेनी है तो परिवार में मिलता है और वो कुल की परंपरा से आता है इसलिए उन्होंने ये सारा क्यों का किया क्योंकि ये उनके कुल की परंपरा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए अपना वचन नहीं था उनका उनके कुल का वचन था उनके पिता का वचन था जिसको उस वचन को रखने के लिए उनकी अवज्ञा भी उन्होंने किया ये इत, इस इस सीमा तक चरम सीमा तक व्यक्ति पहुंचता है सत्य को सत्यापित करने के लिए तब वो राम जैसा कोई बन सकता है और अब ये कहने वाली बात है कि राम के अंदर और क्या गुण था वैसे भी कई चीजें उन्होंने की हुई हैं एक जैसे भी सीता जी का संदर्भ आता है तो बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें उड़ाते हैं तो पहली बात तो ये जानने की बात है कि सीता जी को अगर निकाला गया मान लेते हैं कि राम ने निकाल दिया तो उनको जंगल जाने की क्या जरूरत थी उनके पिता तो राजा थे अपने राजा की के पिता के यहाँ चले जाती है अभी आजकल किसी को कोई अभी मैं अपनी पत्नी को बोलूँ या कोई दूसरा अपनी पत्नी को बोले तो पहली बात तो पुलिस आएगी अगर पुलिस नहीं आती है तो फिर भाई आएगा बाप आएगा अगर नहीं आता तो गाड़ी उठाएगी अपना टैक्सी करके अपने मायके चली जाएगी लेकिन सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया इसका मतलब उसमें अब यहाँ आज ये विषय नहीं है मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा भी किया और उन्होंने जब उनकी सीता का हरण हुआ था जब ड्राइव कर बैठ के क्रियाकर्म भी किया था तेरह दिन जो आज की कोई किसी की पत्नी कोई उठा के लेके जा रहा है तो कोई बताता है भाई इधर गया है तो उधर दौड़ेगा आदमी कि क्रियाकर्म करेगा पहले उसी तरह से सुग्रीव के पास जब वो गए तो सुग्रीव ने कहा कि उन्होंने कहा मेरी मदद करो मेरी पत्नी को रावण उठा ले गया उन्होंने कहा मैं क्या मदद करूं मेरी पत्नी को तो बाली मेरा भाई उठा ले गया है तो दूसरा कोई होता कहता है भैया तुम अपनी पत्नी का ढूंढो मैं कुछ और से पूछता हूँ लेकिन राम ने क्या किया चलो पहले तुम्हारी पत्नी ढूंढ के ले आता हूँ तो ये इसका इसके इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह भगवान राम जो है उनके जो सिद्धांत होते थे उनको मानते थे हमको उन्हीं को मानना है उनका सिद्धांत क्या था परहित, नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं परहित की जो भावना थी उसकी वजह से वो ऐसा करते थे और वो ऐसा सिद्धांत था कभी तोड़ते ही नहीं थे अभी इस इस चर्चा के पहले ही एक हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इकोनॉमिक्स कोरोना के इस आज की जो देन है उसके उपलक्ष्य में इकोनॉमिक्स का क्या होगा एडम स्मिथ जो हैं वो इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाते हैं उन्होंने ये कहा था कि सेल्फ इंटरेस्ट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एकदम उल्टा है भगवान राम का भगवान राम ये कहते हैं कि परहित धर्म नहीं भाई एडम स्मिथ कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट तो हमारे यहाँ की जो दशा हुई है इस समय उल्टी है भगवान राम के अगर भारत में जो भी हम इकोनॉमिक प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब हमारे यहाँ कहें हम लोग बड़े भाव बड़े पवित्र भाव से बड़ी सेवा बड़ी आर, आराधना बड़ी पूजा करें भगवान राम की उससे कुछ नहीं होने वाला उनके सत्यापित भावों को सत्यापित करने के लिए हमको भी करना पड़ेगा उनके सिद्धांतों पर चल के हमको भी देखना पड़ेगा और उनके भाव को पूरे संसार में अगर हम सामने रख सके तो वो हो सकता है मेरे मुझे लगता है कि मेरे दस मिनट जो है वो खत्म हो चुके हैं और इसलिए मैं अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ आगे कभी मौका मिलेगा तो बाकी बातें किया जाएगा धन्यवाद